नमस्कार बाटे घाटे राजनीति को आपण को स्वागत। राजनीति को नहीं बाटे घाटे रे चर्चा एवं वर्तमान राज्य राजनीति राज्य राजधानी रे सबु दलीय कार्यालय रे निर्वाचन को नहीं प्रस्तुति निर्वाचन को नहीं कसर तार भितर नजर को आसन रु कहा को केबे को दलीय प्रार्थी भाव रे घोषणा करबा को जाउछंती दल माने। किंतु वर्तमान ता पूर्वरु बा टिकेट घोषणा पूर्वरु दलीय भित्तिरे सबु संसदीय क्षेत्र एवं विधानसभा आसन को नहीं कसरत आरंभ हो जाइछि। समीक्षा करा जाउछि सीट रे कहा को कोठी टिकेट मिलिबो समीकरण जे भली न बिगड़िबो ताकु भी ध्यान दिया जाउछि एवं जितिबार संभावना को देखि आलोचना चलिछि। तार भितरे विजु जनता दल तरफ लगातार विभिन्न संसदीय क्षेत्र को नहीं आलोचना चलिछि। खास कर आज पश्चिम ओडिशार विभिन्न लोकसभा क्षेत्र उपरे आलोचना होता तार भितर संबलपुर गोटे बड़ बिग फाइट होगा जाऊँ चर्चा हो संबलपुर आसन में। जदिओ संबलपुर सांसद बीजेपी अच्छा नितेश गंगदेव किंतु एथर हुए तो नितेश गंगदेव को संबलपुर देखा मिल नपे यही कि संबलपुर बीजेपी धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एथर पुणी प्रत्यक्ष राजनीति में ओल्लाई पारती चर्चा होेणु धर्मेन्द्र प्रधान ना को नहीं खूब चर्चा और जितिय गणमाम ये खबर धीरे धीरे आसला कि संबलपुर रे धर्मेन्द्र प्रधान को बीजेपी प्रोजेक्ट एवं विपक्ष रे किए रही जो चर्चा चली जदि बीजेडी कड़ा फाइट देवा चाहे संबलपुर रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को ताहले किए हेबो प्रार्थी ये चर्चा भितर सबुठू आगे आसुची संगठन संपादक बीजेडी रो संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास करना। जदि प्रणव प्रकाश दास संबलपुर निर्वाचन लड़ती दल टिकेट दिए से संबलपुर आसन रु उत्तीर्ण अवतीर्ण हूँ ताहले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं प्रणव प्रकाश दास भितरे फाइट हेबो संबलपुर आसन रे एहा गोटे प्रकार चर्चा वर्तमान समय राजनीतिक चर्चा आलोचना करा जाउछि। किंतु 24 निर्वाचन रे एथर जो जो आसन गुड़िक उपरे नजर होछि खास करी उपकूल रे पुरी भुवनेश्वर एमती कि पश्चिम ओडिशा रे जो जो आसन गुड़िक बीजेपी दखल रे रहितला सेठी कौन फाइट हम तापर नजर रही है। आज नवीन निवास रे जाजपुर जगत सिंहपुर आदि लोकसभा क्षेत्र पर आलोचना करा जाई सेठी किभली दलर स्थित रही दल कहा को सेठी टिकेट देवा चाहूँगी तेणु से ही संसदीय क्षेत्र नेता मान डाक आज नवीन निवास रे एने आलोचना करा एवं दल जहाँ पर भरोसा करिबो ओके बाइट आसुची शुणा प्रतिक्रिया अरुण साहू सातोटी एमएल सेगमेंट संपर्क रे विस्तृत आलोचना करागला दलर सांगठनिक स्थिति सुदृढ़ थिबा सत्वे आहुरी ताकु केमिति शक्तिशाली करा जाई पारिबो से संपर्क मध्य विशद भाव रे आलोचना करा जाई छी। एवं सबुठारु बड़ कथा होउची आमर जेते सबु निर्वाचित प्रतिनिधि जेते सबु पंचायत स्तर ग्रामांचलर कर्मकर्ता समस्त नहीं आगामी दिन में केमिति जोरदार लड़ाई करी 7-7 एमएलए सीट एवं जगत सिंहपुर पार्लियामेंट रे एमपी सीट जितने प्रयास करा जिवो एवं सेथिरे जनसाधारण आशीर्वाद मिलिबो बोली आमर स्पष्ट उद्बोध हो निर्वाचन आसन्न केवल निर्वाचन संपर्क रणनीति प्रस्तुत करा जाउछ। माननीय सभापति तथा मुख्यमंत्री जहाँ निष्पत्ति करेंगे ता ही कार्यकारी हम आज जगत सिंहपुर लोकसभा निर्वाचन मंडल अंतर्गत 7 विधानसभा निर्वाचन मंडल संपर्क आलोचना करागला एवं दल को आहरी केमती शक्तिशाली करा जिवो से संपर्क में विशद आलोचना करा जाई आपण सुनुथिले बीजेडी नेता अरुण साहू तथा जगत सिंहपुर जिलार बीजेडी पर्यवेक्षक अरुण साहू के प्रतिक्रिया समस्त लोकसभा आसन खासकर जगत सिंहपुर लोकसभा आसन और ताधीन रही सबु विधानसभा आसन में जमीक दल जितापट हासिल कर रणनीति प्रस्तुत होलोचना कर स्थित कौन रही क्या दल टिकेट देव और क्या भरोसा कर जहाँफल दल को भल रिजल्ट भल फल मिल जगत सिंहपुर जिले में से नहीं प्रस्तुति करा जाए रणनीति से नहीं समीक्षा आज होता नवीन निवास रे नवीन निवास रे गोटे पर गोटे संसदीय क्षेत्र को नहीं आलोचना करा जाउछि एवं गोटे पर संसदीय क्षेत्र रे आलोचना करा जिवा परे से संसदीय क्षेत्र अधीन रे जो जो विधानसभा आसन गुड़िक रही कौन किभली रणनीति हेबो
ताकु नहीं आलोचना करा जाउछि एवं खास करी विजु जनता दल एने प्रस्तुत होउछि आपण के समय पूर्व प्रतिक्रिया सुनुथिले अरुण साहू बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा जगतसिंहपुर जिलार जे पर्यवेक्षक रही जगतसिंहपुर जिले में कौन स्थिति रही जगतसिंहपुर जिले में दल पुणि थे कि रिजल्ट बा से फलाफल पुणि थे पाइबाक जाउछि से नहीं दल रणनीति प्रस्तुत करुछि। आम सहित महेश प्रसाद नंद मध्य जोड़ी ए बाबद अधिक आलोचना करवा महेश आप सहित जोड़ी नवीन निवास मुखर महेश आज जगतसिंहपुर समेत आउ कौ कौ संसदीय क्षेत्र को नहीं आलोचना करमती आलोचना होउ कौ दिग को नहीं वर्तमान समय समीक्षा करणनीति केमती प्रस्तुत करुच्छी बीजेडी आउ के सुधा प्रार्थी ना आसवर चर्चा देखो जदि कहा गोटे पर गोटे संसदीय क्षेत्र को लेकिन आलोचना चली आज अपराह्न तीनोटी संसदीय क्षेत्र नहीं आलोचना जारी रही या भितर जाजपुर संसदीय क्षेत्र नहीं आलोचना शेष हो जगत सिंहपुर शेष वर्तमान कटक संसदीय क्षेत्र नहीं आलोचना जारी रही कटक जदि कह कटक संसदीय क्षेत्र अधीन जो आसुवा विधानसभा जो विधायक जो मैंने वर्तमान रही जे रही विजु जनता दल जातीय मुखपात्र संतृप्त मिश्र सीए वर्तमान ये कटक जिलार जो बीजेडी सांगठनिक स्थिति जो आलोचना चली संसदीय क्षेत्र नहीं कि सी बैठक उपस्थित रही तेणु जो संभाव्य संतृप्त मिश्र को लेकिन जो चर्चा चलता है जेहतु वर्तमान कटक संसदीय क्षेत्र को लेकिन आलोचना चली संतृप्त मिश्र अच्छा वर्तमान से बैठक में तेणु संतृप्त मिश्र हे तो कटक संसदीय क्षेत्र कि प्रार्थी हो पारती कारण भर्तुहरी महताब इस्तफा पर जो चर्चा होता है किए हे विजु जनता दल कटक लोकसभा लोकसभा प्रार्थी एवं संभाव्य प्रार्थी भितर हे तो संतृप्त मिश्र को जेहतु ये बैठक में देखा मिलला बर्तमान बैठक में उपस्थित अच्छा तेणु संतृप्त मिश्र जी विजु जनता दल जो जातीय मुखपात्र रही सी गत मस विजु जनता दल जोग देते हे तो संभाव्य प्रार्थी संभाव्य कटक जिलार विजु जनता दल लोकसभा आसन प्रार्थी जदि कहे संतृप्त मिश्र प्रार्थी हवा नहीं कि गोटे चर्चा होती से बैठक में अच्छा तमाम जदि आप देखिए जगत सिंहपुर जाजपुर ये जो संसदीय क्षेत्र को लेकिन जो बैठक होता ये बैठक में गोटे कथा दल संगठन से जगह मजबूत अच्छे आहरी संगठन को किभरी अधिक मजबूत कर संसदीय क्षेत्र को छाड़ा पश्चिम ओडिशार पूरा पॉपुलर संसदीय क्षेत्र संबलपुर कथा कहु संबलपुर कड़ा फाइट हो पारे कारण केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पूर्वर ताक ना को नहीं चर्चा होए तो संबलपुर बीजेपी प्रार्थी हो पारती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान किंतु बीजेडी कि हे ए चर्चा भितर वर्तमान प्रणव प्रकाश दास ना को नहीं चर्चा होलोचना होतरे कौन प्रणव प्रकाश दास संबलपुर छिड़ा जा देखो जदि कहे ये संबलपुर कारण एथर जदि कहे चर्चा रबलपुर लोकसभा आसन कारण पूर्वर जदि केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर लोकसभा आसन भारतीय जनता दल पक्ष प्रतिद्वंदिता करेंगे और अंपक्ष बीजेडी जदि किए प्रार्थी हम से नहीं जदि स्पष्ट ना कि संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास ना को लेकिन चर्चा जारी रही आज जेहेतु संबलपुर संसदीय क्षेत्र बैठक बसी बैठक नहीं कि तमाम रणनीति प्रस्तुत कर दल जदि कहलपुर प्रणव प्रकाश दास जदि प्रार्थी हमें तेल गोटे संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में गोटे कड़ा टक्कर देखा मिले कारण ये संबलपुर संसदीय क्षेत्र को जब आप देखिए संबलपुर संसदीय क्षेत्र में जब 2000 मसीह देखी आसते मिलित सरकार थी मेट सरकार से समय से प्रसन्न आचार्य संबलपुर से सांसद रही आसते परवर्त समय जदि कह जिते से 2000 परवर्त समय रोहित पूजारी जी रही रेढ़ाकुला विधायक सी जो युव कंग्रेस छाड़ी विजु जनता दल में मिशिले से दल 2009 मसीह दल संबलपुर लोकसभा आसन पर प्रार्थी करता और सेठ बीजेडी से पराजित होते हैं से अमर प्रधान संबलपुर लोकसभा कांग्रेस जीति 2000 जदि आप देखिए 2019 देखिए नलिनी प्रधान जी रही थे नलिनी प्रधान जो पूर्त विभाग सचिव थे सी जो अवसर पर सी जो आसते विजु जनता दल में जोग देते से संबलपुर लोकसभा आसन प्रार्थी करेंटी पराजय होते सेठ जीति बीजेपी जी रही प्रार्थी नीतीश गंगादेव जीति तेणु ये गोटे संबलपुर लोकसभा आसन को जब आप देखिए 2000 मसीह से गोटे फ्रैक्चर होती है कत बीजेडी और बीजेपी कत कांग्रेस कि सब भितर बर्तमान ये चर्चा स्थित भितर जो समीकरण बर्तमान सृष्टि होती जदि संबलपुर संसद
ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇଟ୍ କେମିତି ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ କାରଣ ଖୁବ୍ ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ। ମୁଁ ଫେରୁଛି ମହେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ବେଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ସେତୁ ବେଉରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସନରେ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପିରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରୁ କିଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ୟାଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସେସ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସେଠି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ତାହେଲେ ଉଦିତ ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଗୋଟେ ମେଗା ଫାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ହବ ଯଦି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଆଉ ସବୁ ବି ବହୁତ କି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ବୋଧ ହୁଏ ବିଜେପି ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିସାରିଲାଣି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଡ ପୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆଉ ଏଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣ କଟକକୁ ବି କ୍ଲୋଜଲି ୱାଚ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା କଟକରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଏବେ ସିଟିଂ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେଣି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ତାହେଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ଆଧାର ହେଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଥାଇ ପାରେ? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଭି ୱେଟ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଜେପିର ହେଭି ୱେଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଭି ୱେଟକୁ ଯଦି କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ନ ଅଣାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହବ। ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହି ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ହେଭି ୱେଟ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଭି ୱେଟଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେଲେ ତ ସେଟା ବେଶୀ ଇଏ ହବ, ବେଶୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ପ୍ଲସ ଇଭିନ୍ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଲିଡରସିପ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ହୁଏତ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେନଲି କଥା ହଉଛି ଯେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ଟେ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଭି ୱେଟକୁ ଛିଡ଼ା କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ହବ ବୋଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହୁଏ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ମୁଡ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତି କାରଣ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ତାପରେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଥର ହୁଏତ ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। ମହେଶ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଉପକୂଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏହାର ଭିତରେ ବିଜେପିର ସବୁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଇସି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି? ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୁହାଯିବ ବିଜେଡ଼ିରେ ୟା ଭିତରେ 16 ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ନେଇକି ତାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ କରିଛି ଆଜି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 5 ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି ତାହା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ସମୀକ୍ଷା ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ କାହାକୁ ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବ ଏବଂ କିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଏବଂ କିଏ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଏ ନେଇକି ଆପାତତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ତାକୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥାଏ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏସବୁର ବେଶ୍ ଆଗରେ ଥାଏ କାରଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ଭେ କରାଇଥାଏ
एवं से जो सर्वे आधार जो जो मैंने सिटिंग विधायक एमएलए अच्छा एमपी अच्छा सेमकर पपुलारीटी रोचे अर्थात से लोकप्रियता बढ़ुची ना कमुची जदि कमुची कहीं कमुची और प्रत्येक स्तर में तर से रिव्यू करके रखि था और जो जगह लोकप्रियता कमुची से जगह क्या दल प्रार्थी कले तार जो भरणा हो पार और से जगह पुणी लोकर जो भल पाइबा से जगह को आसब लोकंर ग्रहणीयता बढ़िया तेणु ये सब कुछ नहीं कि दल रीतिमत परीक्षा निरीक्षा करता है सब सर्वे आधार में ही दल तार जो प्रार्थी चयन करें जे सिटिंग एमएलए कहतु दल जो जगह नुआ फेस जहाँ को रखी था तेणु से ही आधार दल अलमोस्ट फाइनाल कर जेहेतु इलेक्शन कारण मे 13 रु ही निर्वाचन ओडिशा आरंभ हम कारण अन्य निर्वाचन गुड़ी कह एप्रिल मस रहा कि शेष जो चारोटी पर्यायर जेहतु निर्वाचन हम तेणु तार अव्यवधि ठीक अव्यवधि पूर्व ठीक समय से जगह से दल प्रार्थी तार प्रार्थी घोषणा कर आउ गोटे कथा दलियों देखा जाए अनेक समय आप देखिए 2019 निर्वाचन में आपको कहबी काकटपुर कथा कह जाऊ आनंदपुर कथा कह जाऊ बालिकुदा एरसुमा कथा कह जाऊ एसब जगार आपड़ देखिए जो मैंने भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं सारी से पुनर्व टिकट फेर कि विजु जनता दल आसिक जगदे तुषारकांति कथा कहतु भागीरथी सेठी कथा कहतु एम टिकट अलरेडी बीजेपी रू नहीं सारी टिकट कि टिकट रिटर्न करके आसिक बीजेडी जगदे और परवर्त समय आसिक विजु जनता दल बर्तमान तुषारकांति मंत्री अच्छा रघुनंदन दास कथा कहुए सी बीजेपी पक्ष टिकट दि जाए सब प्रक्रिया सरी तेणु पॉलिटिक्स देखा जाए लास्ट मुमेंट पर्यंत से अपेक्षा करती एवं जो जगह जी कह जाए अपोजिट पार्टी आउ टे स्ट्रंग अच्छा से जगह रूलिंग पार्टी प्रार्थी जी रही टी कमजोर अच्छा तो से जगह हाइजैक करा से प्रार्थी को किभली अणा तेणु सबू दृष्टि को गोटी चाला करजु जनता दल तार प्रार्थी चयन बा प्रार्थी घोषणा कर सब कह 360 डिग्री को चिंता करके ही दल तार प्रार्थी तालिका प्रकाश कर 360 डिग्री को चिंता करा जाउछि सबु आसन दलर विजय संभावना केते दूर रही वर्तमान संगठन को स्थिति रे रही समीक्षा करा जाउछि आउ पांचटी संसदीय क्षेत्र जेहेतु गोटे गोटे संसदीय क्षेत्र बारे आलोचना समीक्षा चली तेणु आउ पांचटी संसदीय क्षेत्र बाकी रही तो सबु संसदीय क्षेत्र और विधानसभा आसन को आलोचना होगापर जा खूब शीघ्र टिकेट घोषणा हो पारे विजु जनता दल खूब शीघ्र टिकेट घोषणा करें प्रार्थी ना घोषणा करें बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपणकर सूचना आलोचना तो यार भितर बीजेपी निजर रणनीति प्रस्तुत करुच्चे कारण गला किछि दिन धरी मेंट चर्चा भितर उभय बीजेडी और बीजेपी राजनैतिक कार्यकलाप किछि मात्रा रे धीमा आसी जायतिला किंतु एबे पुणि थरे दलीय शिविर रे तत्परता देखिबा को मिलिछि उभय बीजेडी स्थिति आपण देखुथिले बीजेडी कार्यालय रे नवीन निवास रे किभली गोटिए परे गोटिए आसन को आलोचना चली बीजेपी निजर प्रार्थी कसरत जारी रखी बीजेपी प्रार्थी तालिका आज आसीपे ये चर्चा होती कि गत काली राति दिल्ली में सीईसी बैठक में ओडिशा बीजेपी प्रार्थी तालिकार मोहर बाजी जमापड़